हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, दैट इज ऑफ NaCl, जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस Na प्लस Cl2 व्हिच गिव्स अस NaCl। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप है आपको करना है कि जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है उस पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको काउंट करके आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। स्टेप वन क्या है अपने पास, काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Na और Cl, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। और ऐसे ही सेम बिल्कुल आमने सामने लिखना ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। Cl एटम, Na का सिर्फ एक एटम है, क्लोरीन के दो एटम है, यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही आता है। ठीक है, अब हमको इक्वेशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम बॉक्स में करेंगे। ठीक है, अब Na के साथ साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ क्लोरीन के जो हैं एटम्स उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो क्या आ गया अपना टू। अब देखो सब सेम है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, पुटअप कर दिया आपने। अब देखो यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है कि जो पहले Na एटम था वो सिर्फ एक था, अब दो हो गए। ठीक है, दो हो गए, तो अब ये कितने हो गए, टू। अब चलते हैं रिएक्टेंट साइड पे। अब क्योंकि Na अपना अलग है, मतलब जैसे कंबाइंड है ये, तो एक ठीक है कंपाउंड है, और यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम इजीली टू बना सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरफ दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई है, एलिमेंट बैलेंस हो गए अपने, तो फाइनल जो इक्वेशन है वो अपने पास ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 गिव्स अस ट्वाइस ऑफ NaCl। अब यहाँ पर सोडियम भी बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।